यार लक्ष्य कहाँ पे लेके जा रहा है मुझे भाई समझ नहीं आ रहा मुझे। बोल रहा सरप्राइज है, सरप्राइज है, क्या सरप्राइज है भाई मुझे बता दे। आज ऐसी चीज लेके जा रहे हैं जो हमें कहीं पे मिल ही नहीं रही थी और आज मेरे भाई ने ढूंढ ली। कल क्या ढूंढ लिया यार इसे, क्या ढूंढ लिया? तू देख खुश हो जाएगा यार और अपनी पब्लिक जितनी पब्लिक भी सारी खुश हो जाएगी। इतने टाइम से बोल रहे थे कि भाई ये करो ये करो ये करो, तो आज फाइनली वो चीज होने वाली है। अभी देख रहा तू पहुंच के वहां पे दिखाता हूं तेरे को। भाई देखते हैं यार क्या कर रहा है ऐसा, ये मुझे पता लग गया भाई कहाँ जा रहा है कंफर्म। मुझे लग रहा है भाई तेरे को कैसे पता लग गया? कबूतर लेने जा रहा होगा क्योंकि भाई इस गली में ना बहुत सारे कबूतर बाज रहते हैं, इतने घर है कबूतरों के। नहीं 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 पता लग गया मुझे, झूठ मत बोला। कबूतर नहीं है यार, अभी तो देख लियो कबूतर क्यों लूंगा मैं यहाँ से, अपनी छत से लूंगा कबूतर, इतने बच्चे निकल रखे हैं। फिर यार इस गली में क्यों जा? कबूतर से रिलेटेड ही है चीज, और जो जिसके पास जा रहे हैं उसने भी कबूतर पाल रखे हैं। वो तो भाई मुझे पता है, इधर ज्यादातर घरों में कबूतर पाल रखे हैं, पता नहीं कहाँ ले जा रहा है, पर पता भी नहीं रहा मुझे। ये देखो भाई क्या आ गया, नहीं दिखाऊंगा दिखा दे अब। तो भाई फाइनली अभी हम है ना लेके आ चुके हैं। अभी कितू बता कैसा लगा तेरे को? भाई मस्त लग रहा है यार, आगे से दिखा दे पीछे से सही नहीं। ये देखो भाई, ये देखो इतने टाइम से आप लोग बोल रहे थे ना कि भाई ऊपर छत पे कबूतर लेके आओ, नए कबूतर लेके आओ, नए लेके आओ, इसलिए मेरा दिमाग होगा खराब। मैंने सोचा यार डब्बा तो हम बना ना सकते, तो सोचा एक पेटी का जुगाड़ कर देते हैं, और एक पेटी हमारे पास है ही जिसमें आठ एक कबूतर आ जाएंगे। आठ तो यार आराम से आ जाएंगे उसमें। इस पेटी में आएंगे भाई बहुत सारे कबूतर, क्योंकि बहुत स्पेस है इस पेटी में और बहुत बड़ा भी है देखने में, यार वीडियो में छोटा लग रहा है वैसे। इसमें बड़ा आएंगे 16-17-18 कबूतर आराम से आ जाएंगे इस पेटी में, अगर हम वो खाने बनवाएंगे ना इसमें, एक नंबर का काम हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत है इसको ऊपर कैसे ले जाएंगे, भारी बहुत है यार ये। यार ऊपर तो लेके जानी पड़ेगी मेरी, तो है ना इसको यहाँ तक लाने में हालत खराब होगी, पूरे हाथ ऐसे कांप रहे हैं क्योंकि भाई बहुत भारी है। इसमें है ना लो वगैरह का सारा सिस्टम लगा हुआ, वो मैं है ना ऊपर दिखाऊंगा भाई सारा सिस्टम इसके अंदर कैसा, मतलब बहुत तगड़े वाला सिस्टम है, नॉर्मल पेटी वाला सिस्टम ना है ना क्योंकि, और हमसे तो बनते भी नहीं भाई ऐसी पेटी, पेटी एक नंबर की है। और कितना स्पेस है वो मैं आपको है ना जब इसको छत पे रख देंगे तब दिखाता हूँ। बाकी लूसी और टाइसन उस साइड निकल गए यार, भाग के डायरेक्ट भागेंगे ना, पर वो राउंड पर गए भाई, कहीं ऐसा ना हो लूसी के ऊपर देसी कुत्ते अटैक कर दे। इससे पहले जैसे किया था पिछली बार भी देसी कुत्तों ने ना, अब यहाँ पे टाइसन नहीं था, टाइसन अंदर मैंने बंद कर रखा था। अच्छा अरे टाइसन को लूसी के साथ जाने दिया अगर विक्की, वो उसकी सेफ्टी करता है, उसके पास कोई कुत्ता नहीं आता फिर भाई। यहाँ पर गलियों में ना पहले कोई भी कुत्ता नहीं था, अब तो है ना 8-10 कुत्ते आ रखे, वो भी तगड़े तगड़े, पता नहीं अरे अचानक से कहाँ से आ गए। देखिए देखियो यार अभी अभी से पेटी हमने रखी ना, टोम की आवाज नहीं आई हमको, तो हम देखने आ गए यार, नहीं तो हम ना जब भी आते हैं टोम आवाज करता है, और आज इसकी आवाज बिल्कुल धीमी धीमी सी आ रही है। अंदर घुस रखा इसके, इसको निकाल विकी, कहीं ये फंस तो नहीं रखा यार, कहीं इसकी सास रुक रखी हो। देखियो कैसी आवाज कर रहा है भाई, अब तो आवाज भी नहीं कर रहा, पता नहीं कहाँ चला गया यार ये टोम। निकाल इसको, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यार, मैं देखता हूँ कहाँ पे है यहाँ से। ये रहा ये रहा, क्या हुआ टोम, आ जा बाहर आ जा आ जा, ये देखो ये आ गया, लगता भाई ये ना लूसी और टाइसन से डर गया इसलिए इसके नीचे छुप गया होगा। जल्दी आ जल्दी जल्दी पारा जल्दी पारा, ये देख कितने सारे कुत्ते आ रखे, ये देख यही है ना वो, ये देखो भाई ये यहाँ पे है ना लूसी पे अटैक करने आते हैं। और लूसी कहाँ है, लूसी कहाँ है, लूसी पीछे है। अरे यार ये तो लूसी को फिर पकड़ लेंगे अकेले, टाइसन उसके साथ है ना, तुम देखा था फसल बस, तो फिर वो संभाल लेगा अपने आप में। टाइसन ये रातू ये बोल रहा है लूसी के साथ है, उधर ही था यार, उसको तुम मरवाना चाह रहा है क्या? विकी देख अपना टॉम बाहर आ गया, वो वहां पर मुर्गी है, देख अटैक तो नहीं कर देगा ना यार अपनी मुर्गी, तो वहां पे वो चावल खा रही है जो उस दिन बहुत पहले गिर गए थे भाई। ये देखो अपना टॉम है ना, अब है ना पूरे मिनीजो में घूमता है ना, तो मुर्गी इनसे डरती है और ना कबूतर डरते भाई, ना मुर्गा इनसे डरता है। यही तो भाई, ये तो यार कमाल हो गया ना, अरे फ्रेंडली हो गए सारे हो गए। अभी है ना इसका दूध रेडी कर दिया, दूध में अंडे डाल दिए, तो इसका दूध है ना आज इसको बीच में देंगे मुर्गी के साथ में। आ जा टॉम आ जा, वहां पे अपनी मुर्गी है भाई, और यहाँ पे विकी यहाँ पर रख इसका, टॉम आ जा आ आ बेटे टॉम टॉम, इसको यहाँ पे दूध देते हैं और मुर्गी को वहां से थोड़ा आगे करेंगे। टॉम ये देखते हैं सूंघ पाएगा क्या, मेरे को ना लगता है इसको पता चलेगा। टॉम आ जा आ ले ले आ टॉम आ जाओ, वो उसकी वहां पे मुर्गी है, टॉम ले ले
ले अपना टॉम और है ना मुर्गी, देखो वहां पे है साथ साथ, मुर्गी तो बिल्कुल डर ही नहीं रही इससे। देखो यहाँ पे दूध पी रहा है, मैं मुर्गी को हल्की सी आगे करता हूँ, फिर देखते हैं इनका रिएक्शन क्या होता है। चलो 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 मुर्गियों, चलो 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 चलो। ये देखो भाई वहाँ पे टॉम है, यहाँ पर मुर्गियों को आगे करता हूँ। ये देखो डर रही है मेरे ख्याल में, ये देखो उड़ रहे हैं, ये देखो भाई साथ साथ भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना तो टॉम को कोई फर्क पड़ रहा ना उनको। ये तो पहले तो बहुत डरती थी विक्की, और कबूतर भी अपने इतना डरते थे, इसके अंदर भी नहीं जाते, इसके घर के अंदर भी। अब तो है ना इनको कोई फर्क ही ना पड़ता यार, वो सब छोड़ यार, बिल्ली की उस पे इसने तो वो कर दिया। लड़ाई हुई, लड़ाई विकी विकी चल इसको पकड़ ले, इसको पकड़ पहले तो पकड़। वो देखो भाई वो हमारे टाइसन और काले कुत्ते की लड़ाई होगी भाई फिर से। टाइसन ये देखो भाई लड़ाई हो जाती टाइसन। अरे यार बात नहीं बनी कुछ यार, पकड़ लिया था कबूतर हैं। ये देखो भाई हमारे कुत्ते तो कुछ नहीं बोलते, इसकी इतनी हिम्मत होगी चुपके से यहाँ पे आके है। घुस गया, मैंने देखा ही नहीं इसको। किसने बोला था तेरे को आने के लिए रे, इसको बाहर पटक रही। इसको पता नहीं था भाई, टाइसन से ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसी करवा देगा यार। बता कुत्ता भाई सामने है फिर भी उसके ऊपर लपके ने बिना भो कर रहा है बस। यार मेरे को यही बात समझ में आई, वो दो कुत्ते थे, टाइसन अकेला था। अकेला था वो कुत्ता यार, अकेला का था, एक कुत्ता और था वो तो बैठा था ऐसे ही, बेइज्जती करवा दिया टाइसन ने। यार अगर पट्टा होता तब तो टाइसन अटैक कर देता, मेरे को यही बात समझ में आती। खुला रहेगा यार, कुछ नहीं करता, देख अभी वहीं पे खड़ा और सूंघेगा बस वहां पे। कुछ भी बोल विकी, उस काले कुत्ते में दम तो है यार। और वो धमका दिया बताई उसको टाइसन को, धमकाया ना है। अब की बार देखियो पिटबुल किस बात का पिटबुल है यार, ये देख देख वहां पे लेट गया, अब जाके वहां पर आराम से उसकी जगह पे लेटा है, घंटे का पिटबुल है ये। आज मेरा ना बिल्कुल भी छत पे जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि है ना मेरे पापा ने मेरे को कल बहुत बुरी तरीके से डांट दिया। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ क्या हुआ। तो भाई कल ये हुआ था, मैं ना मिनी जू पे पेटी वगैरह सेट करके घर पे आया था 4 बजे करीब करीब। आते ही मेरे पापा ने बोला था कि कबूतरों में चला जाइयो, दाना डाल दियो, मेरे को कहीं जाना है। यार मैं थका हारा आया था, आंख लग गई और मैं सो गया। और फिर आपको पता है अब सर्दी आ गई है तो दिन बिल्कुल छोटे हो गए हैं, रात इतनी जल्दी होगी मेरे को पता नहीं चला। 6 बज गए, 6 बजे पूरा अंधेरा हो रखा था, और अपने है ना 5 से 6 कबूतर, ये तो भाई जंगली के साथ में जो बच्चा निकल रखा ना वो है, 5 से 6 कबूतर थे जो अपने बाहर थे। और पता कबूतर अपने आप ऐसे उड़ने लग जाते हैं, वो कबूतर उड़ते रह गए और मेरे को पता ही नहीं था कि कबूतर उड़ रहे हैं। तो मैं 6 बजे आके दाना वगैरह डाल दिया कबूतर खोल के, 3-4 कबूतर तो आगे थे, पता नहीं 2 कबूतर की बोल रहा था। वहाँ पे जो अंकल है उन्होंने कबूतर पाल रखे, उन्होंने मेरे को मेरे पापा को बता दिया कि तुम्हारे 2 कबूतर रात रह गए थे। तो दाना डाल के मैंने कबूतर वगैरह बंद कर दिए, मैं नीचे आ गया। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो अंकल यहाँ पे पड़ोस वाली छत है ना, ये कबूतर नहीं पालते भाई, इनकी छत पे एक कबूतर बैठा है रात के टाइम पे, ये मान लो 7 बजे करीब करीब बैठ गया होगा। तो बैठा क्योंकि वहाँ पे लाइट वगैरह जलती रहती है, यहाँ पे पूरा अंधेरा था क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि कबूतर रात रह रखे हैं। तो वहाँ पर जैसे ही कबूतर बैठा ना भाई, बिल्ली ने मार दिया, लेकिन उन अंकल ने ना उस कबूतर को छुड़वा दिया था। पर आपको पता है बिल्ली जब दांत मार देती है तो कबूतर नहीं बच पाता, तो कबूतर भी नहीं बचा भाई, और वो डायरेक्ट हमारे पास ले आए क्योंकि उनको पता कि यहाँ पर कबूतर हम पालते हैं। और नीचे मेरे पापा बैठे थे, मेरा पापा ने देखा यार ये तो कबूतर अपना आया। इस चक्कर में मेरे को बहुत डांट पड़ी भाई कि तूने बताया ना, तू ऐसे मतलब लाइट वगैरह जला देता तो अपनी छत पे आ जाता। पर ये बात ठीक भी है भाई, अगर हम लाइट वगैरह जला देते ना तो वो कबूतर अपनी छत पे आ जाता। तो फिर वो जो अंकल कबूतर पाल रखे उन्होंने मेरे पापा को बता दिया कि तुम्हारे 2 कबूतर ऐसे ऐसे रह रखे थे, 5 उड़ रखे थे, बाकी के तो बैठ गए थे पर 2 उड़ते रह गए थे। अब आप लोग बताओ भाई इसमें मेरी क्या गलती है यार, अगर मेरे को पता होता ना कि ऐसी ऐसी बात हो जाएगी तो यार मैं खुद खोल के बैठ जाता, पूरे चाहे पूरी रात बैठना पड़े मेरे को, लेकिन मैं बैठ जाता। और हमारे कबूतर भी ऐसे नहीं है कि भाई अगर उनको पता चलता ना कि लाइट जल रखी है तो अपने आप ही आ जाते हैं अपनी छत पे, ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक अपने कबूतर सारे आ जाते हैं। पर मेरे को पता ही नहीं था कि हमारे कबूतर उड़ रखे हैं। और यार मेरे को अभी छत से लेके जाने थे तो पापा ने कल मेरे को बहुत डांट दिया। ये बच्चा भी भाई बहुत बड़ा हो गया है, इसको भी शिफ्ट करने वाले ही थे पर किस्मत ही अपना साथ नहीं दे रही है। ये भी देखो जंगली में जाने के लिए पूरा वो रखा है, गया क्या यार, ये गिर विर ना जाए नीचे, नहीं तो इसका इल्जाम भी मेरे सर आ जाएगा और पापा नीचे ही है, मेरे को फिर से बहुत सुनने को पड़ेगी। ये देखो यार ये तो सामने की तरफ निकल गया, यार मेरे को लगा था ये उड़ता भी नहीं, और ये बच्चा ऐसे कर रहा है यार, बहुत गलत कर रहा है ये। आ जा, आप बताओ भाई ये मिनी जू पे शिफ्ट हो सकता है अभी भी या नहीं, वहाँ पे मेरे को तो नहीं लग रहा यही लेगा। अगर इसको वहाँ पे ले जाके उड़ाया ना तो
तो ये पक्का वहाँ पे इतने सारे जंगली कबूतर है उनमें मिल जाएगा जाके। बाकी आप कमेंट करके बता देना मेरे को कि इसको शिफ्ट करे या रहन दे, या यहीं पे रहन दे, यहाँ पे रहेगा तो अपनी छत पे रहेगा, वहां पे क्या पता जंगली में चला जाए। ये देखो ये रहा, आजा। आप सबको पता है यहाँ पे अंडे रख रखे थे जंगली कबूतरी ने, और घोंसला था वो हटा दिया मेरे पापा ने। मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई आपको पता है सर्दी बहुत तगड़ी आ चुकी है, हमने ही बहुत सारे बच्चे निकलवाए थे, लेकिन भाई वो धीरे धीरे अपने आप ही मरते जा रहे हैं। एक बच्चे में तो देखो ये लखवा आ चुका है, ये रहा, ये तो इतना मस्त बच्चा था यार, ये बहुत ही अच्छा, और इसमें भी लखवा आ गया। हालांकि हम दवाई वगैरह प्रॉपर देते हैं, फिर भी देखो ये देखो कि अभी भी भाई देखो, ये तो एक बच्चा हो गया, एक बच्चा ये हो गया दो, और एक बच्चा ये सामने की तरफ है, ये भी अभी छोटा ही बच्चा लग रहा पर उड़ने की कगार पे, ये भी तीन, और एक ये रहा चार, और एक वो बैठा पांच, पांच से छह बच्चे तो अभी भी, और ये बीच में फंस रखी कबूतरी जिनको हम मिनी जू पे शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी एक वो कोने पे वो छोटा बच्चा, लेकिन